कयामत का समा है, हर तरफ तबाही तबाही। खेत खलिहान गली मोहल्ले सब पानी में डूब चुके हैं, लाशें इधर से उधर तैर रही हैं। तबाही का अभी तक सही अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि ये सैलाबी तबाही बहुत बड़ी है। तारीख की, पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही। ऐसे वक्त में हर एक जुबान पर एक ही दुआ है, ऐ खुदा हम पर रहम फरमा, हम ऐसे इम्तिहानात के मुतहम्मिल नहीं, सख्त लाचार हैं। मुंह जोर सैलाबी रेला, उनका मुकाबला हम गुनाहगारों ने कहा। ऐ खुदा रहम रहम रहम। वतन अजीज का एक तिहाई हिस्सा जेब आप आ चुका है, लाखों घर उजड़ गए हैं, ऐसी तबाही तो कभी ना आई थी। ऐ मालिक अर्ज़ो समा, रहम करती इन लाचार लोगों पर जो तेरी तरफ आस भरी निगाहों से तक रही हैं। इस कयामत फेज सैलाब पर अफसान चा निगारों की काबिश मुलाहिजा करें। रहमतुल्ला मालूकी का अफसान चा सुनते हैं, उन्मान है बड़ा नुकसान। सब कुछ बह गया, दो बकरियां चार मुर्गियां, बेटी का जहेज गंदम की बोरी, हिफाजती पुश्ते पर पनाह गुजी, कुंबे का बूढ़ा अपनी बित्ता बता रहा था। मैंने बदस्तूर माइक को उसके सामने ही रखा, मगर सवाल कर दिया, बाबा जी आपका तो बड़ा नुकसान हो गया, ये क्या इससे भी बड़ा नुकसान हो गया बेटे? जानता हूं बाबा जी, सैलाबी वेले ने आपका मकान भी मुनहदिम कर दिया। हाँ बेटा, मगर इससे भी जो दूसरा नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है, शायद अब कभी भी पूरा ना हो सके। बाबा जी की आंखें भर आईं। ओह बाबा जी, ऐसा क्या नुकसान हो गया? खुदा ना खासा कोई जानी नुकसान? नहीं बेटा, बाबा जी ने मेरी बात काट दी। तो फिर क्या हुआ बाबा जी? सैलाबी रेला हुक्मरानों और हुकूमत पर से मेरा एतबार बहा कर ले गया, बाबा जी की हिचकी बंद गई। सदफ आसिफ का अफसांचा सुनते हैं, उन्मान है इमदाद। सन सब डूब गया, कुछ नहीं बचा, गरीब हारी ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए, बाबा सबर करो, ये सब तुम लोगों के गुनाहों की सजा है। वडीरा बड़ी रौनक भरे अंदाज में चिस्की लेते हुए बोला, साईं आपकी बात सच्ची, पर कुछ तो मदद कर दियो,
भिखारी ने गोदाम की तरफ पुर उम्मीद नजरों से देखा, जहां हुकूमत की जानिब से भेजी गई इमदादी अशिया भरी जा रही थी। क्यों नहीं बाबा, करते हैं कुछ, वडेरे ने कुछ देर सोचा और जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, हारी के सामने फेंका। हारी हक्का बक्का रह गया। अगली बारी भी हमारे साईं को ही वोट देना। वडेरा ने हारी के कंधे पर हाथ रखा और मूंछों को बल देता हुआ गोदाम की जानिब चल दिया। निशात यास्मीन खान का अफसांचा सुनते हैं। उन्वान है मकसद। लड़की प्रोफेसर साहब के गिर्द जमा थी। उनका मुतालबा था कि एक टूर का प्रोग्राम बना ले ताकि ये आखिरी सेशन यादगार हो जाए। प्रोफेसर साहब बिल्कुल राजी न थी, क्योंकि इस साल मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान था। लेकिन लड़की बजिद के 2 साल कोविड की नजर हो गए और अब बारिशों सैलाब का खतरा, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है क्या? सैर व तफरी पर हमारा हक है। प्रोफेसर साहब मुस्कुराए और लड़कों को बाहर जाने का इशारा किया। वो सब मुंह लटकाए बाहर आ गए, मगर उसी रात मुल्क भर से सैलाबी रेले की खबरें आने लगी। अब वो सब रिलीफ कैंप में प्रोफेसर साहब की जेर निगरानी काम में मशगूल थी। तभी प्रोफेसर साहब ने कहा, जिंदगी का असल मकसद ये है, अगर टूर पर चले जाते तो इस सवाब से महरूम रह जाते। मुझे महकमा मौसमियात की पेशगोई याद थी, जिन्होंने नजरअंदाज किया वो ही नुकसान में रहे। आप भी अपने हिस्से का काम करें। सिर्फ आपको इतना करना है कि ये सामने सब्सक्राइब का जो लाल बटन दिखाई दे रहा है इसे दबाना है, और फिर बराबर में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दें, और साथ में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। आपको सिर्फ 3 बार क्लिक करना है और ये 3 क्लिक हमारे हाथ को मजबूत करेगी, अफसांचा निगारी को मजीद आगे ले जाने में साथ देगी। उम्मीद है आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अब अपने दोस्तों को भी रागिब करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने ही दूर तक अफसांचा पहुँचेगा, क्यों कि जब अफसांचा लोड होता है उसकी खबर फौरन आप तक पहुँच जाती है, और फिर आपके अहबाब भी आपके पेज पर उस अफसांचे का नाम देख लेते हैं, लिंक देख लेते हैं। तो बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दें। मोहम्मद जफर हुसैन का अफसांचा सुनते हैं। उन्वान है खाली हाथ। चौधरी साहब के गोदाम में वाफर मकदार में गंदुम मौजूद थी।
पूरे साल की गंदम तूफानी बारिशों में गरीब मजारों के घर फाकों की नौबत आ गई। वो चौधरी साहब के सामने व्यस्ते सवाल दराज करने पहुंच गए। उन कुम्मी कमीन लोगों को तो हर वक्त हाथ फैलाने की आदत है, चौधरी साहब ने तकब्बुर से सोचा और नखुवत से झूठे वादों पर बहलाकर साफ मना कर दिया। उसी रात गांव में अचानक सैलाब का जोरदार रेला उमड़ आया कि हवेली समेत पूरे गांव के घर माल मवेशी अनाज के गोदाम सब पानी में डूब गए, कुछ बह गए, कुछ टूट गए। साल भर के गंदम के मालिक चौधरी साहब कुम्मी कमीनों के साथ एक ऊंचे टीले पर खाली हाथ अनाज के दाने दाने को तरस रहे थे। सरवर गजाली का अफसांचा सुनते हैं। उन्वान है साएबान। बिजली जोर से कड़की, रोटी पकाती माँ ने बड़ी बेटी को आवाज दी, मिठू अरे उठ जा, कब से कह रही हूं कि घर के अंदर आ जा, बादल गरज रहे हैं, बारिश आने वाली है। छोड़ो भी अम्मा, मिठू तुनक कर बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे घर की छत पुख्ता है और हम सबको बारिश से बचा लेगी। अरे अम्मा, टपकती छत से तो बेहतर ये खुला सहन है, कम से कम बारिश में भीग कर नहाने का मजा तो आएगा। बारिश बरसी और खूब बरसी, फिर पहाड़ से रेला भी आया, सैलाबी रेला, कयामत का रेला। उसने झटपट तीनों बच्चों को चारपाई से तकरीबन बांध दिया और मुंह जोर रेले के मुकाबले सीना सिपर हो गई। चारपाई को सर पर रखकर तैरने लगी, बार बार बोलती जा रही थी, बच्चों सर पानी में ना जाए। बहुत कोशिश, बड़ी मुश्किलों से तीनों बच्चों के साथ पहाड़ तक पहुंच गई। शुक्र खुदा करने के बाद आने वाली मदद की आस लगाए बैठी उस टूटी छत को याद कर रही थी कि टपकता जरूर था मगर साहिबान तो था अपना साहिबान।